नदियाँ हमारे लिए जीवनदायिनी है और माँ नर्मदा मोक्षदायिनी भी, और माँ नर्मदा के संरक्षण का बेड़ा उठाया है मध्य प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, और आज ये नमामि देवी नर्मदे नर्मदा सेवा यात्रा शुरू करके, और बड़ी खुशी की बात है कि ये यात्रा जबलपुर की तरफ अग्रसर है और इसी यात्रा की स्वागत की तैयारियों में दिन रात जुटे जबलपुर जिला कलेक्टर महेश चंद्र चौधरी जी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। नमस्कार। नमस्कार। धर्म ज्योति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जबलपुर में नर्मदा सेवा यात्रा पहुंच रही है, इसमें प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, जिला जबलपुर में नर्मदा सेवा यात्रा का जो प्रवेश है वो 10 अप्रैल को बेलखड़ा से होने जा रहा है। इसमें 10 पड़ाव के स्थान हैं जिले में, और जिला प्रशासन की ओर से हम लोगों ने ग्राम स्तर से, ग्राम पंचायत स्तर से, ब्लॉक लेवल से, और फिर जिला स्तर पर हम लोगों ने इसकी टीम गठित की है। छोटे छोटे कर्मचारियों को, अधिकारियों को शामिल करके और आम नागरिकों को शामिल करके जो स्वागत समितियाँ हैं उनका गठन किया है, नर्मदा सेवा समितियों का गठन किया है। बड़ी संख्या में जो नर्मदा सेवक हैं उनके भी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, और ये जो तैयारियां हैं अभी एकदम तेज़ी के साथ चल रही हैं, और मैं समझता हूं कि 10 अप्रैल को जो स्वागत होगा वो भव्य स्वागत होगा यात्रा का, और उसके साथ में हमारे जबलपुर ज़िले में ये जो ऐतिहासिक यात्रा है मध्य प्रदेश की और पूरे राष्ट्रीय जगत पर जिसकी चर्चाएँ चल रही हैं, उस यात्रा का बहुत अच्छा सा स्वागत होगा, और उसके लिए हमारा जो प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी तरह से उसके लिए तैयार है। और इस सेवा यात्रा के दौरान ऐसी कुछ योजनाएं फलीभूत हुई जो जनहित के लिए फायदेमंद हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोगों ने नर्मदा के दोनों तटों पर जो किसानों की खेती है, सरकारी जमीन है, जो बंजर है, और किसी तरह से जो अनुपजाऊ जमीनें हैं उन सभी पर वृक्षारोपण करने के लिए, और जो फसली क्षेत्र है उसको उद्यानिकी में परिवर्तित करने के लिए, और साथ में जो तट पर ग्राम हैं वो 107 टोटल ग्राम हैं जो कि जबलपुर ज़िले में हैं, जो कि सर्वाधिक हैं, और जबलपुर नगर भी नर्मदा का तट है। तो यदि ये कहा जाए कि पूरे यदि नर्मदा की लेंथ को, मतलब गुजरात तक को देखा जाए, तो सबसे बड़ा जो शहर है वो जबलपुर है, और नगरी तट जो है हमारा बनता है, इसलिए हम माँ पवित्र नर्मदा नदी से सभी लोग जबलपुर ज़िले के जुड़े हुए हैं, चाहे ग्रामीण के हों या जबलपुर शहर के हों, और इसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, और इस यात्रा को लेकर के सभी में अपार उत्साह भी देखा जा रहा है, चाहे शहर के लोग हों चाहे गांव के लोग हों, बड़ी संख्या में जुड़ते हैं, सभी घाटों पर लोग पहुँचते हैं, और जो गाँव के लोग हैं उनको भी हम चाहते हैं कि वो आर्थिक रूप से उन्नति करें, उनकी प्रगति बने, जो किसान हैं उनको खेती का लाभ का धंधा बने। तो इसमें जो नर्मदा सेवा समितियों का जो गठन हुआ है उनके लिए भी कुछ ऐसी योजनाएं आई हैं, क्योंकि अभी तो ये यात्रा के दौरान उन घाटों पर तो सफाई भी हो रही है, और मतलब काफ़ी कार्य ऐसे हो रहे हैं, बाद में भी ये निरंतर चलते रहें, उसके लिए क्या इन समितियों को ऐसी कुछ योजनाएं या ऐसी कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जिससे ये आगे भी चलती रहे? बिल्कुल। उन देखिए, नर्मदा सेवक और नर्मदा समितियां जो कि जन अभियान परिषद में रजिस्टर होने जा रही हैं, उनका जो कार्यकाल है वो केवल अभी वर्तमान में सेवा तक नहीं है, नर्मदा सेवा यात्रा के बाद उनके पास और ज़्यादा काम बढ़ेगा, और शासकीय योजनाओं से हम उन सभी समितियों को जोड़ेंगे, जो सदस्य होंगे उनको सक्रिय बनाएंगे, और उनका जो योगदान है वो ग्राम पंचायत में भी रहने वाला है। जो पंचायत तंत्र है, पंचायत जो संवैधानिक निकाय है, उससे भी उन समितियों को जोड़ेंगे, जिससे कि लगातार ये समितियां सक्रिय रहें, अपने उनके खाते भी होंगे, घाटों का रखरखाव अच्छा होगा, आरती अच्छी होगी, वृक्षारोपण होंगे, और खेतों से जो लाभ होगा किसानों को वो वास्तव में देखने लायक होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि जबलपुर में कुछ ऐसे किसान निकल कर के सामने आए हैं जिन्होंने अपने जो केवल एक फसल उगाते थे और उन्होंने फिर उद्यानिकी को अपना लिया, और उद्यानिकी को अपना करके बहुत ही अच्छे कीमती आम की खेती हो रही है, कहीं संतरे की खेती हो रही है, कहीं अनार की खेती हो रही तो है। तो ये अगर हम किसानों की बात करें और संरक्षण की हम साथ में बात करें, तो किसानों को क्या ऐसे सरकार की तरफ से कोई ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे उनको और ज़्यादा अपनी खेती
अच्छे से कर सके, और क्योंकि किसान अगर खेती अच्छे से करेगा पर्यावरण मतलब कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति का संरक्षण उनके द्वारा ही होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, हमने इसमें जो है जबलपुर जिले के लगभग 7,000 हेक्टेयर का जो एरिया है जो किसानों का खेती की ज़मीनें हैं उनको चिन्हित किया है, जिसमें 5,000 से ज़्यादा किसानों के परिवार जुड़े हुए हैं। उन सबका ओरिएंटेशन करना, उनको प्रशिक्षण दे करके और उनके खेतों को उद्यानिकी में परिवर्तित करना, साथ में उनको शासन से अनुदान भी दिलाना, क्योंकि जब उद्यानिकी और वो आगे आएंगे, क्योंकि एकदम जैसे अभी गेहूं की फसल लेते हैं या खरीफ में खरीफ की फसल लेते हैं तो उनको 4 महीने 5 महीने में ही फसल मिल जाती है। अब उनको फसल जो है फल लगेगा तो उसको 2 से 3 साल लगेंगे, तब तक उनको मिश्रित खेती करना पड़ेगी और खेती में जो हानि होगी उनको उसकी भरपाई सरकार करेगी। तो ये अनुदान भी उनको किसानों को दिया जाएगा, साथ में उनको जैसे गोपालन है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, भेड़ पालन है, तो इस तरह से जो गौ सेवक हैं उनको भी तैयार करेंगे हम लोग, इससे उनमें और उत्साह बढ़ेगा और आगे आएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने का काम, और जो गोबर निकलता है उससे वर्मी कंपोस्ट तैयार करना जिससे जैविक खेती हो, और मतलब इस तट को पूरा जैविक तट बना रहे हैं। नर्मदा जैविक खेती से तो फिर और हमारा मृदा संरक्षण भी होगा, जो मृदा संरक्षण ये केमिकल खेती के कारण जो मृदा का हरण हो रहा था, क्षरण हो रहा था उसका, तो उससे फिर फायदा ही होगा। बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पूरा यदि देखें तो ज्योग्राफी यहाँ की जो जबलपुर जिले की है उसमें कुंडम से लेकर के और पूरा जिला है वो नर्मदा का कैचमेंट है। तो यदि ये कहा जाए कि ये जिला पूरा नर्मदा तट है तो ये पूरा जिला नर्मदा तट में ही आता है, या तो दक्षिणी तट में आता है या उत्तरी तट में आता है, और पर्यट नदी है, हिरण नदी है, हमारी गौर नदी है, ये सभी जो नदियाँ हैं वो जाकर के नर्मदा में मिलती हैं। तो प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है, और इस पॉल्यूशन के कंट्रोल भी होगा क्योंकि जैविक खेती। तो ये प्रदूषण, जैसे अभी प्रदूषण की हम बात करें तो नदियों का संरक्षण, कहीं ना कहीं हम जल के संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए नगरीय क्षेत्र में जो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है जिसमें वेस्ट टू एनर्जी, अब जैसे कचरे से बिजली जबलपुर में बन रही है जो कि पूरे राष्ट्र में मतलब इसका नाम हो रहा है, नाम रोशन हो रहा है जबलपुर का, क्योंकि कचरे से बिजली बन रही है। और अब इसी तरह यदि जैविक खेती यहाँ पर होने लगे तो जितना गोबर है और कचरा है ये सब जैविक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और यहाँ जैविक खेती के रूप में ये जिला जानने लगेगा, और जैविक खेती का और जैविक जो अन्न है और जैविक फसलें हैं, जैविक उद्यानिकी है, इसकी जो मार्केटिंग है वो कई गुना वैल्यू इसकी बढ़ जाती है। यदि लौकी आप जैविक खाएंगे और जैविक यदि पौष्टिक गुणवत्ता बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाती है। तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि जनोपयोगी हैं और मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, और बाहर एकदम मार्केट में डिमांड हो जाती है। तो यदि जैविक गेहूँ मिले लोगों को तो उसकी जो कीमत है लगभग डबल हो जाती है मार्केट में, तो किसानों को ये सीधा लाभ होगा, क्योंकि जैविक खेती करेंगे तो गोबर का निपटारा भी ठीक से होगा और जैविक खेती हो जाएगी, रासायनिक खाद नहीं डाले जाएंगे, और रासायनिक खाद फिर नदी में नहीं पहुँचेगा, और नदी में पहुँचता है तो अपवित्र बनाता है वो। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और उसी दिशा में जो काम है वो लगातार चल रहा है। तो अभी ऐसे ये मुख्यमंत्री जी की ये जो जन आंदोलन मुख्यमंत्री ने छेड़ा है और जन हर व्यक्ति को जागरूक कर रहे हैं, क्या लोगों में वो जागरूकता आ रही है जिससे वो नर्मदा के तट या जो भी हमारे नर्मदा किनारे के तट है वो प्रदूषित ना हो? बिल्कुल, देखिए हम यदि इस बात को कहें प्रशासन की ओर से तो हमारे हर गांव में गली चौराहों पर मोहल्ले में ये चर्चा का विषय बन चुका है। नर्मदा सेवा यात्रा आ रही है, उसका लोग इंतजार कर रहे हैं, उसका लोग उत्साह से उसमें जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जन जागृति फैल रही है। और अभी तो ये है कि घाटों के जो हमारे जो गाँव हैं वो नशा मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि सैपुरा का सेवदा गाँव है, ये पूरी जो गांव है वो वहाँ संकल्प लिया है लोगों ने और नशा मुक्त हो गया। इसी तरह से भेड़ाघाट के आसपास के जो गांव हैं वो नशा मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, शराब बंदी के लिए महिलाएं आगे आ रही हैं।
बिल्कुल ऐसे तटों के किनारे शराब भी नहीं, माहौल बनना, माहौल बनना चाहिए, एक सकारात्मक माहौल मतलब देखने को मिल रहा है, रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं इससे, बच्चों में भी उत्साह, लोगों में जागरूकता आ रही है। हाँ। ये जो दीपदान करते हैं लोग, कहीं ना कहीं ये भी प्रदूषण का कारण बन रहा है, तो प्रशासन इसके लिए क्या व्यवस्थाएं कर रहा है ताकि लोगों की आस्था भी बनी रहे और वो दीपदान भी कर सके? बिल्कुल, देखिए जो दीपदान की जो सिस्टम है इसमें प्रशासन की तरफ से हम ये अपील करना चाहते हैं कि आटा का दीपक और घाट के ऊपर लगाया जाए, मिट्टी का दीपक घाट के ऊपर लगाया जाए, जल में प्रवाहित ना करें, ऊपर रखें, घाट के ऊपर रखें। घाट के ऊपर रखने से ही आपका समर्पण हो जाता है, क्योंकि अग्नि देवता है और वो जितने समय तक ज़्यादा प्रज्वलित होगी और घाट के ऊपर जितनी प्रज्वलन होगा वो हमारे लिए ज़्यादा फलदायक। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं और डिजिटल युग में आज जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अपने संस्कारों को पीछे छोड़ रहे हैं और इसीलिए वो इसमें आध्यात्मिकता से दूर भाग रहे हैं। तो आज के युवा को इस अध्यात्म से कैसे जोड़ें, क्योंकि युवा में जितनी एनर्जी रहती है वो किसी में नहीं रहती, तो युवा जब इसमें जन भागीदारी लेगा तो और ज़्यादा इसमें सफलता हमें मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए डिजिटल इंडिया का समय है और डिजिटल इंडिया के समय में लोग जो है वो फास्ट आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो सनातन और पुरातन परंपराएं हैं ये भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और यदि हम आस्था मूलक कामों को लेकर के और डिजिटाइज उसको करेंगे तो ये जो है वो ज़्यादा जो है परिणाम मूलक है, ज़्यादा प्रखर है, और जो टैलेंट है और यूथ है वो इस आस्था को लेकर के और डिजिटाइज इंडिया का। इससे कैसे जुड़े? हाँ। क्या कुछ ऐसे ऐप तैयार हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, ताकि युवा भी इसमें आगे आकर जन भागीदारी ले? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें हमारी ई गवर्नेंस सोसाइटी है जिला प्रशासन की, और हम ई गवर्नेंस सोसाइटी से इसका पूरी तरह से जो ऐप है उसको लॉन्च करेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, मैसेज का आदान प्रदान, कम्युनिकेशन के आदान प्रदान, विचारों के आदान प्रदान, अच्छे और किसी माइनस भी हमको कोई सुझाव मिलेंगे कि यात्रा में कहीं कोई चीज़ें माइनस हो रही हैं तो उसको इम्प्रूव करने के लिए प्रशासन को समय मिलेगा, चांस मिलेगा, मौका मिलेगा, तो इसका मैं बिल्कुल वेलकम करता हूँ। और यूथ को भी हम जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि भविष्य जो है हमारा यूथ ही है, यदि यूथ हमारा इस सेवा यात्रा से जुड़ गया तो मैं समझता हूँ कि जो यूथ है इस यात्रा को सशक्त भविष्य के लिए बना देता हूँ, भविष्य के लिए जुड़ जाए। आप जबलपुर से बहुत पहले से परिचित हैं, पूर्व में भी आप काफ़ी पदों में यहाँ रहे हैं, आपके अवलोकन के आधार पर अभी लोगों में और कैसे जन जागृति लाई जाए ताकि वो नमामि देवी नर्मदे नर्मदा सेवा यात्रा से जुड़े और एक स्वच्छता का संकल्प निरंतर चलता रहे? बिल्कुल, देखिए हम जो है नर्मदा सेवा यात्रा से जिले के हर नागरिक को, एक एक परिवार को इस यात्रा से जोड़ना चाहते हैं, और जिला प्रशासन ये चाहता है कि हर परिवार किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो एक पौधारोपण के माध्यम से, चाहे हमारे कार्यक्रमों में शामिल होकर के, चाहे घाटों पर शामिल होकर के, या यात्रा के दौरान जो है अपने सुझाव दे करके कम्युनिकेशन के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से हर परिवार इसमें जुड़ जाए तो एक जो है बड़ा जो है योगदान होगा, क्योंकि हम लोगों ने जिला प्रशासन ने लगभग 1 करोड़ पौधा रोपण का लक्ष्य रखा है, और ये जो महालक्ष्य है ये जो है बगैर आम नागरिकों के और आम जनता के प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसके लिए हमको शहर के हर व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी के पास यदि एक पौधा लगाने का स्थान है तो एक पौधा लगाएगा, यदि 10 पौधे लगाने का स्थान है तो 10 पौधे लगाएं, और उसको जो है हमको कम्युनिकेशन के माध्यम से जरूर जो है एक माध्यम से एक जुड़े, हम ई गवर्नेंस सोसाइटी के माध्यम से इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे, अभी सेवा यात्रा कर लेंगे, इसके बाद फिर दूसरा लेंगे, तो ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण कदम होगा, और हर व्यक्ति को हम जोड़ना चाहते हैं, हम हर नागरिक का स्वागत करना चाहते हैं, चाहे कमर्शियल संस्थान हों,
चाहे प्रेस जगत से जुड़े हुए लोग हों, हर दूसरे व्यक्तियों से हम मतलब चाहेंगे कि वो सहयोग करें आगे आकर। बिल्कुल भरपूर सहयोग करें, चाहे मस्जिद हो, चाहे ईदगाह हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, सभी लोग जुड़े। सभी मतलब अनेकता में एकता भी यहाँ पर एक मिलेगी हमको इस यात्रा के द्वारा। ये एक अच्छा होगा क्योंकि वास्तव में इंटीग्रेशन की बात की जाती है और जब एक टीम बनती है तो वो एक सशक्त टीम कहलाती है और ये इसकी एक यही बात है सफलता की इस यात्रा की, क्योंकि नर्मदा नदी से हम सभी लोग जुड़े हुए हैं और जल का उपयोग तो सभी करते हैं। जल जो है जीवित देवता है और जल का यदि पूजन हो और जल के शुद्धिकरण के लिए हम लोग अपना समर्पित हो तो इससे बड़ा कोई समर्पण जीवन काल में हो नहीं सकता।